भिवानी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने हमारे 4000 जो पदाधिकारी बने सर्कल इंचार्ज से लेकर के ऊपर के लेवल तक, उनको शपथ ग्रहण वहाँ पर करवाया, उनको संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और उसी दिन ये ऐलान किया था कि हम अब हरियाणा में आने वाले समय में एक नया कार्यक्रम शुरू करेंगे। और ये कार्यक्रम नहीं, आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत संजीदगी से लेती है और किस तरीके से हम पूरा हरियाणा जोड़े, और हरियाणा जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम परिवारों के एक एक यूनिट को जोड़ने का काम करें। एक तरफ ये सरकार परिवार पहचान पत्र के नाम से शोषण कर रही है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और लगातार लोग कहते हैं कि खूंटी पर टंगवा दिया इस सरकार ने सारे कागज़, कुछ न कुछ करना पड़ता है ताकि रोज़ जो है जा कर के तहसीलों में जाना पड़े, जो और इस तरह के कार्यालय हैं। तो परेशानी जिस तरीके से इन्होंने करी है उन चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी परिवारों को जोड़ने का काम करेगी। और ये परिवार जोड़ो अभियान, वो उस दिन वो ऐलान करके गए थे, हमारी पूरे हरियाणा के अंदर वो ट्रेनिंग जारी है। और इसी के साथ ही आज के बाद लगातार पार्टी पूरा ये कोशिश करेगी कि इस प्रदेश के अंदर 48 से 49 लाख परिवार हैं, हर घर तक आम आदमी पार्टी पहुँचे और लोगों के साथ उनके सुख दुख को साझा करे, किस तरीके से उनका जीवन यापन होता है, कितनी परेशानियों में वो है, उनका घर का गुजारा कैसे चलता है, किसी तरह की और उनको कोई समस्या तो नहीं, ये सारे मुद्दे हम जो उनके मुद्दे हैं वो सुनने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उनके साथ पहले दूसरी चर्चा होगी, अगर वो महसूस करते हैं कि हमें भी अपनी बात रखनी है तो वो निश्चित तौर पर, मैं समझता हूँ कि वो बात भी जो जो हमारी सरकारों ने किया है दिल्ली और पंजाब के अंदर दिल्ली मॉडल के माध्यम से, उस शानदार काम को भी लोगों के बीच में हम रखने का काम करेंगे। और पीछे जो अतीत में सरकारें रही उनके बारे में भी हम उनसे अनुभव साझा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा वो हरियाणा के इतिहास में एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस तरीके का सघन लोगों के बीच में जाने का, परिवारों को जोड़ने का, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का, उसकी समस्याएं सुन करके भविष्य में, क्योंकि यही आधार बनेगा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का, आम आदमी पार्टी किस तरह की नीतियां लेकर के इस हरियाणा में आएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम किसी भी पार्टी ने पिछले 20-30 सालों में तो नहीं चलाया होगा, उससे पहले का हम कह नहीं सकते, लेकिन ये अपने आप में एक ग्राउंड स्तर पर जाकर के इस पूरी मुहिम के माध्यम से हम अच्छे लोगों को चिन्हित भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस दिन अरविंद जी ने ये भी कहा कि हर बूथ के ऊपर हर गांव में जा कर के हमें 21 सदस्यीय इसमें कमेटी भी गठित करनी है और उसमें जो सामाजिक ताना बाना है उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो मैं सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को और हरियाणा के तमाम हमारे परिवारों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक महीने के अंदर उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक महीने बाद जब हम उनसे मिलकर के कमेटी गठित करेंगे, कमेटियाँ जब बनेंगी हमारी, तो करीबन करीबन 2 से 2.5 लाख की सेना हमारी तैयार होगी। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का हमारा जमीनी स्तर पर ये कार्यक्रम चलेगा, दूसरा जो विपक्ष की भूमिका है उस विपक्ष की भूमिका को भी आम आदमी पार्टी अच्छे से निभाने में लगी हुई है। हर स्तर पर हमारी इकाइयाँ जो ज़िले में हैं, ब्लॉक के स्तर पर हैं, विधानसभाओं में जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठ हैं, वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बलबीर जी, चित्रा जी हमारे बीच में हैं,
वो भी अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आम दोबारा से रिपीट करो। सभी साथियों को नमस्कार। बंधुओं, आज आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में एक भी मेंबर नए होने के बावजूद भी आज आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में एक विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही है। जन सरकार की तरफ से जब भी कोई गलत नीति बनती है तो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं। हरियाणा प्रदेश में आज बिजली के बिलों से जनता में त्राही त्राही है। 9 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और लोकप्रिय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंचकूला से एक बिजली आंदोलन की आगाज की थी। 1.5 महीने तक आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर के बिजली के बारे में लोगों को बताया और ये मांग की कि हरियाणा प्रदेश के एक बगल में दिल्ली है, दूसरी बगल में पंजाब है, वहाँ पर जब हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और मुफ्त बिजली दे रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश में बिजली के नाम पर लोगों की जेब पर ये डाका क्यों डाला जा रहा है। तो लोग बहुत पहले से दुखी थे, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस आंदोलन से मिला। अब हमारे दोनों नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने अब एक और परिवार जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। जैसे कि मेरे से पहले तंवर साहब ने बताया, तो उस अभियान के तहत आज हम गांव-गांव में जा रहे हैं, बल्कि मैं तो कल 4 गांवों में गया भी था, लेकिन लोगों में इतना जोश है आम आदमी पार्टी के प्रति, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जिसका आधार ईमानदारी है और जिसका संकल्प है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तो इन मुद्दों से आज हरियाणा प्रदेश की समूची जनता ने एक मन बना लिया है कि आगे आने वाले जो भी चुनाव होगा उस चुनाव में सभी पार्टियों को छोड़ करके तो जनता आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए आज मन बना चुकी है। और साथियों, जो ये परिवार जोड़ो अभियान है, इस अभियान के तहत क्योंकि आज हमारे कम से कम 4,000 पदाधिकारियों ने शपथ ले चुके हैं जो हमारे हैं, अब गांव-गांव में सारे के सारे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जाकर के घर घर में जाकर के जाते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अब की बार तो हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, हमने सबको देख लिया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सोच है, जो इनकी नीति और नियत साफ है, तो हम उसको देख करके आगे आने वाले चुनाव में अब एक बार तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस अभियान को, परिवार जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में, घर घर में, घर घर में जा कर के 36 बिरादरी में जा कर के, तो वहाँ जा कर के लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और हमें इस कार्यक्रम में बहुत सफलता मिल रही है। लोगों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी पर आधारित है। तो मैं ज़्यादा और बात न करते हुए आप सभी का पुनः से धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा ये परिवार जोड़ो अभियान है, इस अभियान में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी परिवार जोड़ो अभियान के बारे में जो हमारा ओवरव्यू है और ऑब्जेक्टिव है,
हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया है, हम यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक मेयर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है इट्स अ मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। और आज अगर लोगों के साथ जुड़ना है और उन्हें जोड़ना है तो उनके घरों तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारा परिवार जोड़ो अभियान है, ये हमारी सेकेंड कैंपेन है जब से संगठन बनने लगा है। और इसके बाद कैंपेन दर कैंपेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किस तरह से हम अपने संगठन को हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। 4000 कार्यकर्ता जो आज हम कह सकते हैं कि चिन्हित हैं, जिनको हमने पद दे दिए हैं, वो मैं कहूँगी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह हैं, क्योंकि हमारे हज़ारों हज़ारों ऐसे कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स ऐसे बैठे हैं जो बिना किसी पद के भी आगे काम करेंगे। जो ये हमारा कार्यक्रम है परिवार जोड़ो अभियान, डोर टू डोर एक पॉलिटिक्स में बहुत स्टैंडर्ड टूल रहा है, लेकिन एक हमारी अभी चर्चा हुई तो उसमें तंवर साहब ने कहा कि यहाँ मिलने का कार्यक्रम नहीं है, ये जोड़ने का कार्यक्रम है। और एक तरह से DTH प्रोग्राम हम लेके जो चलते हैं, डायरेक्ट टू होम, हमने घर जाकर घर को समझना है, घर से बात करनी है। इस कार्यक्रम के एंड में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हर गाँव के अंदर मिनिमम 21 मेंबर की एक कमेटी आम आदमी पार्टी के पास होगी। ये कमेटी हम अपने मौजूदा नोन और पहचाने हुए चेहरों से अकेले नहीं निकालेंगे, ये DTH जो हमारा ये परिवार जोड़ो अभियान है, इसके बाद हम उन मेंबर्स को निकालेंगे। कमेटी के अंदर जैसा कि कहा गया, हमारी 36 बिरादरी का भी ख्याल रखा जाएगा और मिनिमम 2 महिलाएं और 3 युवा कम से कम होंगे। कमेटी बनने के बाद उसको एक सचिव स्तर का हमारा जो है साथी, वो उसको हेड करेगा। इस परिवार जोड़ो अभियान के दौरान जब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, 15 से 20 मिनट अंदर बैठ के बिताएंगे, बातचीत करेंगे, उस दौरान वो उस परिवार से अगर वो अपनी सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं तो एक मिस्ड कॉल भी उनसे दिलवाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास हर गांव से, हर घर से वॉलंटियर, सिंपैथेटिक और जो हमारे से सहानुभूति रखते हैं हमारे एजेंडा से, अरविंद केजरीवाल जी से, उन लोगों के हमारे पास कॉन्टैक्ट्स और एक टीम निकल कर आएगी। और जाहिर है ये हमारी सेकेंड कैंपेन है बट नॉट द लास्ट, और इसके बाद मुद्दा दर मुद्दा जो जिस तरह से एक लोगों से समझकर एक सहमति हरियाणा के मैनिफेस्टो की उभरती दिखेगी, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी आगे भी काम करेंगे। तो आज यहाँ पर सभी प्रेस के मेंबरान आए, आज बरसात भी थी, इसके लिए हार्टिएस्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि इस मुहिम से लोग जुड़ें और हमारे कार्यकर्ता इसे आगे लेकर जाएंगे, इसमें हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू। लोगों से आप लोग की मुलाकात करेंगे और जो सजेशंस मिलेंगे क्या उसको मैनिफेस्टो में भी डालेंगे वो फाइनली आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है? यस, एक बुक एक